मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का किया समापन। कहा लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर बनी है योजना कि नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का किया शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हसनापुर मेरठ में बाढ़ प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण। कहा बाढ़ प्रभावितों को समुचित राहत उपलब्ध कराई जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का समापन किया। गौरतलब है कि इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त को किया था। रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के 16 जिलों में किया गया था। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन जन के हैं, हम सभी की आस्था के प्रतीक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता की भावना से ही रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया था। 16 स्थलों पर इसका आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर योजना बनी है। नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे, इसलिए रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की भाषाओं में राम का विमोचन भी किया गया। रामायण कॉन्क्लेव के इस आयोजन में कलाकारों साहित्यकारों मानस मर्मज्ञों और कवियों ने रामकथा के विभिन्न पहलुओं पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों संगोष्ठी परिचर्चा और कवि सम्मेलन आदि में प्रतिभाग किया। भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा, उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के दो दिन पूर्व तीन दिन पूर्व यह तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो देव प्रदेश के 16 स्थलों पर हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजन को अयोध्या में ही फिर उसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के श्री चरणों में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी के जल को अर्पित किया, जिसे उन्होंने परम सौभाग्य बताया और कहा कि यह जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध कराया, जिसे काबुल से एक बालिका ने भेजा है। उन्होंने कहा कि यह उस बालिका के ही नहीं अफगानिस्तान में आतंक के साए में जी रहे लोगों के साथ अन्याय और लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था की भावना को प्रदर्शित करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी किया और साथ ही पांचवें दीपोत्सव की तैयारी का गहराई से अध्ययन भी किया। दीपोत्सव की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय कलाकारों और रंगकर्मियों ने धर्म आधारित रंगारंग प्रस्तुति की। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, राम संपूर्ण विश्व के जन जन में व्याप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका कैमरा मारे तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा और आज उसी जल को लेकर यहाँ पर आया था। तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूं, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूं और उस बालिका और अफगानिस्तान की
उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार करा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को क्यूवे नंबर मिलेगा जो पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण निःशुल्क है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने 11 लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड का वितरण किया। श्रम सेवायोजन और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा और विवाह, स्वास्थ्य और रहने के लिए मकान आदि की चिंता अब नहीं करनी पड़ती। केंद्र सरकार 20 रूपये प्रति कार्ड का भुगतान कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां स्टेज पर बैठे हैं, ये कार्ड बना सकते हैं क्या? नहीं। इसमें कहा गया है जिसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है, प्रोविडेंट फंड का, जो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, उस तरह से व्यक्ति का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आंगनबाड़ी के कर्मी, मनरेगा में काम करने वाला श्रमिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, ऐसे लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का ही प्रोविडेंट फंड जमा होता नहीं है, इन लोगों का ही कोई टैक्स जमा होता नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और हम लोग टारगेट कर दिए हैं कि यूपी सरकार कम से कम 6 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और अभी तक 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, हमारा मंत्री जी ने कहा, हमारी श्रम मंत्री ने, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको यूएन नंबर एक मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, जिसको हम लोग ई श्रम कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड मिलने के साथ ही साथ उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे अगर कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु होगा व्यक्ति को, उस परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। कानपुर नगर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कानपुर स्थित एलिम्को में संचालित कार्य एवं आधुनिकीकरण योजना के कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एलिम्को की वर्कशॉप का निरीक्षण और दिव्यांगजनों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक सहायक उपकरणों को जांचा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप एलिम्को मित्र भी लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का प्रयोग दिव्यांगजनों द्वारा आवश्यक सहायक उपकरणों को प्राप्त करने हेतु घर बैठे ही जानकारी करने और पंजीकरण करने के साथ ही प्रदान किए गए सहायक उपकरणों में किसी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए भी किया जा सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत में दिव्यांगजन को मिले सहायक उपकरणों की सहायता से वो देश के विकास में अपना योगदान देने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों में, वो भी देश के विकासों में अपने लघु प्रयासों के माध्यम से और उसमें अपना योगदान देने लगा। ये सारी चीजें ये हमको बताती हैं कि एलिम्को की जो 50 वर्षों की यात्रा है, इस 50 वर्षों की यात्रा में 338 करोड़ रुपए की राशि से जो इसका आधुनिकीकरण करने का काम किया जा रहा है, जिसमें 200 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा और शेष जो राशि है वो उनको अपने स्वयं के संसाधनों से जुटाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये कृत्रिम पैर लगने के बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन भी पैदल जाके करके आई। ये संस्थान के द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता लाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से लाभान्वित होने वाले हमारे जो दिव्यांगजन हैं, वो दिव्यांगजन सहज जीवन जिए, ये बताता उस बहन का उदाहरण कि किस तरह से पहले जब वो पैर कृत्रिम पैर लगते थे, आज जो कृत्रिम पैर लग रहे हैं वो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है।
T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर नारेबाजी करने और उसका समर्थन करने वाले तीन कश्मीरी छात्रों को आगरा के RBS कॉलेज से पुलिस ने गिरफ्तार कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत जेल भेजे जाने का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कश्मीरी छात्रों की रिहाई की मांग की। आगरा के सर्किट हाउस में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और खाद्य प्रसंस्करण और नियोजन राज्य मंत्री डॉ GS धर्मेश ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तीखी निंदा की। प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्णय का स्वागत करता हूं। निर्णय का स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनकी जीत पर खुशी जाहिर करते हैं, ये देशद्रोह है। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है, वो आतंकवादियों को हमेशा प्रश्रय दिया, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हसनापुर मेरठ में गंगा किनारे खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र हसनापुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। महेंद्र सिंह ने कहा कि वो जितना कार्य वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटें लाएगी। कहीं कुछ भी हो रहा, उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से खुशहाल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसी का परिणाम था कि हर चुनाव में कमल का फूल खिल रहा है। 2014 आपने देखा, 2017 आपने देखा, 2019 आपने देखा, उपचुनाव आपने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मोदी और योगी के साथ खड़ी है। हम 350 के पार जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इंदौर से हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद प्रयागराज अब देश के 12 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। इंदौर से चली हुई फ्लाइट पहली बार प्रयागराज पहुंची तो नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के 32 महानगरों से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से जल्द ही कई अन्य शहर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहे हैं। पहले दिन की फ्लाइट में तकरीबन 40 यात्री इंदौर से प्रयागराज आए। यात्रियों का कहना है कि पहले ट्रेन और बस से इंदौर से प्रयागराज जाने और आने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन अब वो तकरीबन एक घंटे में ही ये दूरी तय कर रहे हैं। यात्रियों ने इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया और प्रयागराज को देश के कुछ अन्य शहरों से भी हवाई मार्ग से जोड़ने की मांग की है। सब उड़े, सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एयरपोर्ट का जाल बिछाया गया है, प्रयागराज उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ से कितनी सारी फ्लाइटें शुरू हुई, आज इंदौर से जो फ्लाइट आई है पहली, माननीय बहुत ही यशस्वी तेज तर्रार युवा भारत सरकार के मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी ने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया, और कल कानपुर से कई सारी फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। जब हम इस सरकार में, हमारे सरकार बनी 2017 में, और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई, उस वक्त केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए, और जो हवाई यात्रा है, हवाई यात्री जो पैसेंजर हैं, उसमें 3 गुने की वृद्धि हुई, और उत्तर प्रदेश में केवल 24 जगह उड़ान थी, आज 75 जगह से ज़्यादा उड़ानें हो रही की योजना है, और इससे मैं समझता हूँ इंडिया बहुत जल्दी एक हो जाएगा कि इस फ्लाइट से हर एक को कनेक्ट करने की इन्होंने जो सुविधा और कंफर्टेबल इनवैलिड्स के लिए बड़ी अच्छी सुविधा दी हुई है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है इनवैलिड्स आदमियों को, और मैं समझता हूँ कि इंडिया में ये चीज़ें जल्दी फैलेंगी और इंडिया का नाम अच्छा वो रोशन हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर वाराणसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में छोटे छोटे बच्चों ने भारत के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर वाराणसी और आसपास के जिलों के GI उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
जीआई उत्पादों के विशेषज्ञ पदम रजनीकांत ने कहा कि आज हमारे देश में जीआई उत्पादों का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक प्रयासों से काफी जोरों से हो रहा है। पूर्वांचल की धरती से उपजे इन जीआई पदार्थों की प्रदर्शनी निश्चित ही लोगों को नई जानकारी उपलब्ध कराएगी और लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित किया। जैसा कि आप जानते हैं, सरदार पटेल ने लगभग 560 रियासतों को मिला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया था। तो हमारे मन में, बच्चों के मन में हमारी जो अभिलाषा थी कि बच्चों के मन में बचपन से ये भावना डाली जाए कि भारत एक है और भारत एक होकर ही श्रेष्ठ हो सकता है, इसी का एक छोटा सा प्रयास, गिलहरी प्रयास कहिए, हम लोग विद्यालय में कर रहे हैं। देखिए, जो परिकल्पना आजादी के बाद महापुरुष पटेल जी ने किया था इस देश को एक सूत्रता के संपर्क में बांधने का, वही प्रयास आज माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत में कर रहे हैं। और उन्होंने जो नारा दिया कि लोकल से ग्लोबल तक, जो जीआई उत्पाद है वो लीगल लोकल है, वो पूरी की पूरी दुनिया में कानूनी मुहर के साथ में जा रही है। और हमें लग रहा है कि जो भारत भूमि की श्रेष्ठता है, वो उसकी कला है, विरासत है, संस्कृति है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कृषि के उत्पाद है और मसालों से लेकर के ढेर सारी विविधताओं का ये मिश्रण है। और यही इसीलिए भारत को हमेशा श्रेष्ठ कहा गया। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाई गई, जिसके तहत जनपद में रैली निकाली गई और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल में रोगियों को फलों का वितरण किया गया और अखंडता और सुरक्षा की स्मृति में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर मुख्यालय में पैदल गश्त भी की गई। जिलाधिकारी डॉ चंद्रभूषण त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों को फल वितरित किया। हमें बहुत अच्छा लगा, आरडीएम साहब आए और मेरा हालचाल पूछा और जो फल बांटे हम लोगों को और मेरे साथ सभी साथियों का भी मतलब हालचाल पूछा गया, उससे बहुत अच्छा लगा। माननीय डीएम साहब यहाँ आए थे और अपने कर कमलों से जो है तो सभी मरीजों को फल वितरित किया और साफ सफाई का निरीक्षण किया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मानवीय दृष्टिकोण और विकास की दृष्टि से जो है ये कार्यक्रम मनाया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में मनाया है, जिसमें जो है तो पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता, भाईचारा, अमन चैन बना रहे और हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने रियासतों को विलय किया, भारत को आधुनिक भारत बनाया, उसको हमने आज जो है तो बड़े उत्साहपूर्वक जिलाधिकारी कार्यालय में मनाया है। और इसमें कवि, साहित्यकार और समस्त प्रबुद्ध जीवी और हमीरपुर के संभ्रांत नागरिकगण उपस्थित रहे। रायबरेली में राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष रेल मंत्रालय राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रेलवे सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के द्वारा एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने हेतु मार्च पास का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक आरेतिका विनय मोहन श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर महाप्रबंधक समिति ने संबोधन में कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जिसमें अनेक धर्म, संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के लोग निवास करते हैं, इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश को एकीकृत करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। मैं तथ्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से विधिक जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम गांव गांव तक हर व्यक्ति को विधिक जानकारियों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चों के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया, जिससे ये बच्चे लोगों में विधिक सेवा के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए समुचित विधिक जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।
हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती का इसलिए रखा गया कि एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि के बारे में उनको भी जानकारी हो कि किस तरीके से उन्होंने देश को संगठित किया और देश को एक किया, है ना, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था देशी रियासतें। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो अमृत महोत्सव है एक प्रतीकात्मक तिथि ली गई है, लेकिन पर्पस वही है जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों को जो है निःशुल्क न्याय मिले, और अगर वो ये चाहते हैं कि हमें न्यायालय ना आना पड़े तो वैकल्पिक न्याय की भी व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगी कि जैसा कि विदित है इस वर्ष हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, यह हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है जिसमें हमारे न्यायपालिका का बहुत ही बड़ा ही योगदान है। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 14 नवम्बर 2021 तक चलेगा। दोनों ही तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती से स्टार्ट होकर के बाल दिवस के दिन तक चलेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका के द्वारा जो भी सुविधाएं एवं दी जा रही हैं जन जन तक, घर घर तक वो पहुंची की। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया है, इसमें हम लोग ने बताया है कि हमको अपने फंडामेंटल राइट्स, और साथ ही जो विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस है उसमें जैसे हम लोग अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की व्यक्तित्व से हम लोग प्रभावित हैं, उनकी लीडरशिप्स और उनके कर्तव्य को देखते हुए एकता के समक्ष हमने सबको जागरूक किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा को लेकर हरदोई के माधोगंज पहुंचे। अखिलेश यादव ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों के हितों के लिए संघर्ष की शुरूआत की थी और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो लोग देश को एक करने की बात करते हैं वही लोग धर्म और जाति में देश को बांट रहे हैं। भारत की यही पहचान रही है कि मिलजुल कर यहां लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी का रथ चलता है तब सपा की सरकार बनती है। हर साल आयोजित होने वाला भारत हस्तशिल्प महोत्सव लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस 15 दिवसीय महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति का प्रदर्शन होगा। आयोजनकर्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे और विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। 28 राज्यों की हस्तकला, हस्तशिल्प, लोक कला, लोक संस्कृति और साथ में जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ की हस्तकला, हस्तशिल्प और वहाँ के सांस्कृतिक को लखनऊ वासियों को देखने का मौका मिले और संपूर्ण भारत एक छत के नीचे हो जहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना, स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही साथ बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रतियोगिता के माध्यम और मंच के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला, लोक संस्कृति को उजागर करना और उसको आम जनमानस तक पहुंचाना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के फूड है, फन जोन है, झूला है, जुरासिक पार्क है, डायनासोर है, यानी बच्चों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन और बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा, जानकारी, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी और उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी प्रयास के तहत यह पूरा भारत हस्तशिल्प महोत्सव कराया जा रहा है। चित्रकूट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। इस मेले में संस्थान में स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नेत्रहीन बालिकाओं द्वारा अपने हाथों से प्रशिक्षण के दौरान निर्मित मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलबत्ती, मिठाई के डिब्बे आदि को बिक्री के लिए स्टॉल लगाया गया जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। खरीदार आलोक कुमार का कहना है कि आज के इस कार्यक्रम को देखकर लगता है कि वास्तव में नेत्रहीनों के अंदर बहुत प्रतिभा होती है। निश्चित ही ये सब लोग अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के अभिन्न अंग बनेंगे। मैं दृष्टि संस्थान में स्वरोजगार की ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलबत्ती आदि सामान बनाना सीखा है जिसमें आज दिवाली का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे मैं अपने बनाए हुए सामानों को यहाँ पे बेच रही हूँ। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सामान को खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं दृष्टि में रोजगार प्रशिक्षण सीखती हूँ और यहाँ कई प्रकार की मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ,
धूप बत्तियाँ लाई, गट्टे, मिठाई के डिब्बे, दलिया आदि चीजें बनाती हूँ और पैक करती हूँ। आप लोग आइए और मेरा सामान खरीदिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में भी ये सब बना के अपने घर का सब अच्छे से चला सकती हूँ। मैं यहाँ पर स्वरोजगार की ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसमें मैंने फूलबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, लाई गट्टे आदि की पैकिंग की ट्रेनिंग ले रही हूँ। आज हमने दीपावली मेले के अवसर पर दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लाई गट्टे आदि सामान रखे गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहाँ दीपावली मेला लगा करके लोकल फॉर वोकल की एक सोच पैदा करके उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने का काम किया था, उसी तरह से आज चित्रकूट में दृष्टि संस्था द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया, जहां पर इस संस्था में बच्चे जो भी बच्चियां पढ़ती हैं वो बच्चियां पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, और उसके बाद भी इन्होंने एक बड़ा प्रयास किया। मैं जिस तरह से मोमबत्तियां बनाना, अगरबत्तियां बनाना, आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रीट वेंडर्स की दीपावली को रोजगार की खुशहाली में बदलने के लिए मेरठ में नगर निगम द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मेले में ज्यादातर पटरी दुकानदारों को स्टॉल निःशुल्क दिए गए हैं। मेले में वोकल फॉर लोकल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झलक देखने को मिल रही है। मेले में फूड कोर्ट के साथ साथ सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। मेला पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त है और मेले में आने वालों को जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे ये जो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जो हमारे रेहड़ी ठेले पटरी वाले हैं उन लोगों को दीपावली पे लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी दीपावली पर अधिक इनकम हो, यही है, और उसी के क्रम में ये मेला नगर निगम मेरठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो थीम है वो रेहड़ी पटरी वालों की इनकम बढ़ाने के लिए। और हमने इस मेले को प्लास्टिक फ्री और पॉल्यूशन फ्री मेला बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ हमने और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर दिए निःशुल्क तौर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का किया शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हस्तिनापुर मेरठ में बाढ़ प्रभावित गांव का किया निरीक्षण, कहा बाढ़ प्रभावितों को समुचित राहत उपलब्ध कराई जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।